नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइफ में और आपके साथ मैं हूं शाजन निसार। दोस्तों, हर रोज हम आपके आगे पेश होते हैं, आपके सामने पेश होते हैं और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, आपके जवाब देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कुछ होता है इसके सिम्टम्स और इसके पीछे की वजह, ये तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। जी हाँ, हार्ट अटैक एक हल्के दर्द के साथ शुरू होता है जो कि एक विकराल रूप लेकर आपको बेचैन कर देता है। हार्ट बीमारियां असल में कई तरह की हो सकती है। हमारा खानपान ही सबसे ज्यादा अहम वजह है इसकी, और खाने की आदतें सही नहीं होने की वजह से न सिर्फ पेट से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि उसके बाद मोटापा, हाई बीपी जैसी समस्याएं भी घेर लेती हैं, जो कि हार्ट अटैक का एक बड़ा जो सबब है वो बन जाती है। स्ट्रेस होना भी इन्हीं कुछ वजहों में शामिल है। हार्ट अटैक होने से पहले सीने में दर्द होता है, यानी कि चेस्ट में आपको पेन होने लगता है, घबराहट महसूस होती है, सीने में जलन होती है, सांस रुकने लगती है, ऐसे आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वक्त रहते ही डॉक्टर से जांच करवा ली जाए तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस पे हम यही कहेंगे फिलहाल के लिए। हालांकि इसी टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर भी जुड़ेंगे। बता दें आपको कि सीने में दर्द होना, अभी आपको कारण बता रहे हैं, सिम्टम्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक सदमा लग जाना ये एक वजह हो सकती है हार्ट अटैक आने की, बहुत ज्यादा पसीना आना कहीं ना कहीं एक सिम्टम है हार्ट अटैक को पहचानने का, सांस लेने में तकलीफ होना भी अपने आप में एक सिम्टम है, आपको अंदाजा लग सकता है कि आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, धूम्रपान करना एक बड़ी और अहम वजह है हार्ट अटैक होने की, बहुत ज्यादा मोटापा होना यानी कि चर्बी वाला शरीर होना बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक की, तनाव में रहना यानी कि स्ट्रेस में रहना, हर वक्त परेशान रहना एक वजह है हार्ट अटैक आने की, लगातार होने वाली खांसी भी एक वजह हो सकती है हार्ट अटैक की, बदन दर्द होना कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, एक लक्षण है हार्ट अटैक को पहचानने का कि आने वाले वक्त में आपको ये परेशानी हो सकती है। धड़कन का तेज होना यानी कि हार्ट बीट्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, जी मचलना या फिर घबराहट महसूस होना, ये भी लक्षण में ही शामिल होते हैं यानी कि सिम्टम्स हैं। दिल में सूजन आना ये भी लक्षण है, आप पहचान सकते हैं, जब आप जांच करवाते हैं ऐसा कुछ टिकल के आता है तो आप समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसे आपको संभलना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप बचाव कैसे कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं यानी कि व्यायाम कर सकते हैं, नमक कम खाएं, नमक अपने खाने में तमाम चीजों में कम से कम लें, धूम्रपान बिल्कुल ना करें यानी कि सिगरेट ना लें, ये सब तमाम चीजें ना करें। और इसी टॉपिक पे बात हमसे करने के लिए, इसी डिजीज को समझने के लिए यानी कि हार्ट अटैक जैसी परेशानी को कैसे से बचा जाए, तमाम चीजों से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है इस पे जानने के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, फिजिशियन हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। स्वागत करते हैं आपका जनता टीवी में सर। सर पहले भी हमारे साथ कई बार जुड़ चुके, हमसे बातचीत कर चुके हैं और तमाम मसलों पर हमें जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक को लेकर के। सबसे पहले सर मेरा सवाल यही है कि हार्ट अटैक क्यों आता है? पहले तो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाए या कोई स्पाज्म हो जाए, कार्डियक स्पाज्म हो, जिससे ब्लड के सेल्स और उसमें जो है नलियां मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण जो है हार्ट के मसल्स में ब्लड नहीं जा पाता है। तो ये जनरली ज़्यादा फैट लेने से और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से नलियों में आर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण ये ज़्यादा होता है। जैसे कि हम ग्राफिक्स में बता रहे हैं, कई और भी रीजंस होते हैं, एक अहम वजह है धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना। सिगरेट से ज्यादा पोटेंशिएट हो जाता है, क्योंकि दो चीजें होती है, एक तो उसमें निकोटीन होती है जिससे कार्डियक स्पाज्म हो जाता है, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दूसरी चीज जो है उसके कारण प्लेटलेट कोएगुलेट हो जाते हैं जिससे कि क्लॉट बन जाते हैं, वो क्लॉट जो है जाके फंस जाती है नलियों में और ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल्स को कम हो जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है और वहाँ पे दर्द होने चालू हो जाती है।
हार्ट अटैक उसी को बोलते हैं। और भी कई वजह होती हैं डॉक्टर जी। ओबेसिटी है, ओबेसिटी के लिए कहा गया है कि अगर ज्यादा ओबेसिटी रहे तो डायफ्राम मूव नहीं कर पाता, तो रात में आपने देखा होगा खर्राटे लेने वाले लोगों को सडन डेथ हो जाती है उसमें, क्योंकि रिस्पिरेशन का मूवमेंट नहीं होने से अरिदमिया हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाता है, जिसके कारण बाद में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। हम अगर एज की बात करें तो क्या उम्र का भी कोई खास डिफरेंस होता है इसमें? हाँ, ये जनरली जो है 35 से लेके 50 साल के बीच में ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग कई, हालांकि हम देख रहे हैं कि आजकल तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिल की बीमारियां बढ़ चुकी है। वो जेनेटिक करेक्टर है, क्योंकि जेनेटिक में कोलेस्ट्रॉल का मूवमेंट उसमें जो है एलडीएल ज्यादा होता है, और इस कारण जो है वो खानदानी उन लोगों की होती है। दूसरी चीज, हार्ट अटैक होने का लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कहलाता है, वो पैदाइशी होता है जो कि कुछ दवाइयों से रिएक्शन हो जाता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, अगर आप बच्चों को दे दीजिए तो उनमें हार्ट अटैक हो जाता है, और उसी की जगह पे अब एजिथ्रोमाइसिन आई है। तो ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स की ड्रग, इसके पहले सेटिजिन टाइप की एक ड्रग थी जिसे कहा हार्ट अटैक हो जाता था, उसको बंद कर दी गई है। तो ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवल पैदाइशी होती है, जेनेटिक करेक्टर होता है। ओके, तो ये सारे रीजंस होते हैं और एज भी क्लियर हो गए। खैर, अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स हमने ग्राफिक्स के जरिए समझने की तो कोशिश की, कुछ हमें अंदाजा भी है, लेकिन आपसे भी तफसील से समझना चाहेंगे कि क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। जी, दो चीजें हैं, जैसे एक तो हार्ट का पेन कहते हैं, उसको एंजाइना कहते हैं, जिससे महसूस होता है कि भारीपन हो रहा है, बाएं साइड में ज्यादा होता है, और दूसरा हार्ट अटैक होता है जिसमें बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, जैसे लगता है कि हाथी बैठ गया यहाँ पे। अच्छा। और उसमें बहुत स्क्वीजिंग पेन है। दुनिया में केवल दो ही पेन है जो सबसे स्ट्रांग पेन है, पहला जो है हार्ट अटैक का, दूसरा जो है लेबर पेन। दोनों में कहा जाता है कि जीवन का संरक्षण करना जरूरी होता है, और दोनों के लिए ही बहुत स्ट्रांग एनाल्जेसिक्स वगैरह दी जाती है। यहाँ पे जो पेन होता है उसमें क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, इसके कारण नर्व इंडिंग्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, और यहाँ से लेके जबड़े से लेके और बाएं हाथ तक पूरा दर्द होता है। कोई जरूरी नहीं है दाहिने हाथ तरफ भी दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, साथ में उल्टी वोमिटिंग होती है, घबराहट होता है, इसके बाद पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेचैनी भी होती है, कई बार लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। इस तरीके से देखा गया है कि उस समय अगर तुरंत आदमी जमीन पे लेट जाए, या आपके घर में कोई ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट नाम की ड्रग है, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है, तो जीभ के अंदर, जीभ के नीचे ले ली जाती है, जिससे आराम होता है। और अगर वो दवाई नहीं है तो इस समय कुछ देर के लिए आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैरोटिड को दोनों तरफ नहीं, एक साइड में यहाँ हल्का सा मसाज कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। लेकिन उस समय तुरंत आप एम्बुलेंस को बुलवा लें, क्योंकि कई तरीके की बीमारियाँ हैं, जैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहलाता है, उसमें सडन डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद CPR कराते हैं हम लोग, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन जरूरी होती है। वो हम सबको इस समय हम लोग सिखा रहे हैं, जिसको BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कि हर आदमी कम से कम बेसिक लाइफ सपोर्ट से बचा सकता है, उससे एरिथमिया भी ठीक हो जाती है, अगर हार्ट स्टॉप हो गया है तो हार्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा रिस्पिरेशन देते हैं तो वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसे कारण बच जाते हैं। और सेरिब्रल स्ट्रोक, दूसरी जो घटना होती है वो सेरिब्रल स्ट्रोक, अगर जैसे बीड़ी, सिगरेट या बीड़ी ज़्यादा पीने वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेटलेट उसमें कोएगुलेट कर जाते हैं, वो प्लेटलेट जो है ब्लड में सर्कुलेट होके कहीं ना कहीं ब्रेन में जाके फंस जाता है, तो आप देखिएगा कि सडन जो है यहाँ पे दर्द हुआ और एक तरफ का पैरालिसिस हो गई। तो माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने सवालों के साथ हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव से जुड़ सकते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल हो, हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ जो भी आपकी क्वेरी हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब डॉक्टर साहब बखूबी देंगे। जो भी आपके जहन में चीजें हो हार्ट अटैक से जुड़ी हुई, क्या है, क्यों है, तमाम चीजों को लेकर हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर मैं बता दूं लगातार, हमारा नंबर जो है वो TV स्क्रीन पर आपकी फ्लैश होता रहता है, 01143214321 हमारा नंबर है।
यानी कि 0114321 नंबर है हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और जो भी आपके जहन में सवाल है उनके जवाब आपको बखूबी दिए जाएंगे। खैर डॉक्टर साहब अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ हम लोगों को ये सलाह दिया जा रहा है कि आप हर आदमी को, हर पेशेंट को अपना खान पीन के बारे में बताएं, मोटापा ना हो, पेट की जो मोटाई हो वो सीने से कम हो, दूसरी चीज जो है वेट ज़्यादा नहीं, पर इंच पर किलोग्राम का वेट होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, 30 मिनट तक आप जरूर वॉकिंग करिए, जिसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप एक मेट्रो स्टेशन पहले ही आप रुक जाइए और वहां से पैदल आप, मतलब आपको इतना चलना चाहिए अगर आपको हार्ट अटैक जैसी चीज से बचना है तो। हाँ जी, हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं जो कि कॉलर है, सोनीपत से स्वागत करते हैं आपको जनता टीवी में। सर नमस्कार, मैम मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नमस्कार जी। सर कई बार जो उल्टे हाथ में हल्का हल्का दर्द होता है जी, और कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे सीने में भी हल्की हल्की ना चमक सी दर्द से होता है, तो मैंने कुछ दिन पहले ईसीजी भी कराया था, वो नॉर्मल था, तो फिर वजह क्या है कि ये हल्का हल्का दर्द? आपकी उम्र कितनी है? सर है 28 साल जी। क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ मैं कंपनी में। अच्छा, इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो ईसीजी आपने कराया ठीक है, दूसरी बात आप ब्लड प्रेशर एक बार चेक कराइए, और तीसरी बात है कि कई बार जो है सर्वाइकल स्पंडलाइटिस के कारण भी हो जाती है या एक्स्ट्रा जीभ होती है उसके कारण भी इस तरीके का तनाव महसूस होता है और दर्द भी होता है, तो आप एक बार एक्सरे कराइए गर्दन का, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल आप अपना कराइए, कोलेस्ट्रॉल में VLDL LDL और कोलेस्ट्रॉल तीनों चीज का मेजरमेंट होगा, उसको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। वेट अगर आपका ज्यादा है, कितनी हाइट है आपकी? हाइट है 5.8 और वेट भी नॉर्मल है, वेट 65 है ज्यादा। हाँ ठीक है, वेट तो आपका काफी अच्छा है, आप कोशिश करिए 30 मिनट कम से कम पैदल चलने का, और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिया करिए, और दिन में 3-4 बार खाइए, लेकिन स्मॉल मिल लीजिए, ज्यादा ना खाइए, घी तेल ज्यादा ना खाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं कई बार? बिल्कुल तो, आपने सही कहा, और हम समझते हैं कि आपने पहली बार ये टच किया है टॉपिक की बच्चों में भी हार्ट अटैक होता है, इसके पहले कोई भी हम लोग प्रोग्राम इतनी उम्र हो गई नहीं देखे हम लोग, इसमें जरूर आप सडन कार्डियक अटैक होता है जिसको कॉट्स डेथ भी कहते हैं, अचानक बच्चा मर गया, जिसको कहते हैं कि कुछ भूत प्रेत पकड़ लिया और बच्चा मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें स्लीप एपनिया टाइप का ही बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। उसका कारण ये है कि खानदानी हम लोगों को ईसीजी होना चाहिए, जिसके कारण ये पता चले कि भाई बंदे को लॉन्ग क्यूटी इंटरवल तो नहीं है। ईसीजी में आप देखेंगे कि ऐसे लाइन चलती है, इस क्यू लाइन बाद वाली है और टी लाइन, दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो थोड़ा सा भी एरिथमिया होगा तो वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं, और हार्ट रुकने के कारण साथ ही लंग्स भी रुक जाता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन इरिटेशन के कारण एरिथमिया हो जाती है, और उसके बाद डेथ स्वाभाविक है क्योंकि CO2 नार्कोसिस हो जाती है। तो जब डॉक्टर को इस चीज की बात बताई जाती है, जांच करवाई जाती है, तो उनको तो अंदाजा होता होगा कि बच्चे को क्या? अब हो रहा है क्योंकि कॉट्स डेथ हम लोगों के 2005-06 तक पता नहीं था कि स्लीप एपनिया से होता है, लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि उससे भी हो। सेकंड चीज, कई बार जो है बच्चे, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी हैं, स्लीप में लगता है कि जैसे गर्दन दब गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसका पोस्टमार्टम इफेक्ट देखेंगे तो उसमें लॉन्ग क्यूटी इंटरवल का ही मेन परेशानी होती है। डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ, बीच में हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं मनोज गोयल महेंद्रगढ़ से, स्वागत है आपका। हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है जी। फरमाएं, क्या सवाल है आपका? सर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एंक्रोलोजिंग स्पॉन्डिलाइट है सर। मेरे को एंक्रोलोजिंग स्पॉन्डिलाइट है सर, और मेरा दिल्ली में इलाज चल रहा है जी काफी टाइम से। क्या है आपको, कस के बोले? एंक्रोलोजिंग स्पॉन्डिलाइट सर, कटिया भाव कह सकते हैं आप उसको। क्या करिए जी, आप एक बार फिर से कहें। एंक्रोलोजिंग स्पॉन्डिलाइट सर। एंड्रोलॉजी स्पॉन्डिलाइट। स्पॉन्डिलाइट, हाँ जी हाँ। अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस है आपको? हाँ स्पॉन्डिलाइटिस है सर, पहले मेरे को बैक पेन रहता था जी जी, लेकिन अभी ठीक है। तो स्पॉन्डिलाइटिस का भी पेन, चेस्ट पेन होता है, लेकिन वो हार्ट अटैक,
हार्ट का पेन नहीं है, क्योंकि हार्ट के पेन में एक भारीपन महसूस होता है लेफ्ट साइड में, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत हाथी बैठ गया हो। आपकी आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। और सर एक्चुअली क्या, मैं चलता हूँ ना तो बहुत पेन होता है सर, लेफ्ट हाथ में भी, लेफ्ट साइड में, हाथ में भी और चेस्ट में भी बहुत जबरदस्त पेन होते हैं। हाँ, आप एक काम करें, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, और उसमें क्या है या एक्स्ट्रा रिब हो सकती है, तो वो बताएंगे कि नर्व स्पॉन्डिलाइटिस से चल रहा है सर। मैं तो बहुत परेशान हूँ 6 महीने से। हाँ। मैं सारी टेस्टिंग करा चुका हूँ, स्ट्रेस इको भी मेरा हो चुका है जी। तो मुझे लगता है आपको कुल मिलाकर एक जवाब डॉक्टर साहब देना चाहिए कि उनको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और बराबर एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक हो जाएंगे। इसमें केवल फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा काम देगी, बाकी जब भी दर्द हो तो एक टेबलेट आप ले सकते हैं, कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट का तो कोई खास रोल है नहीं। ओके, उम्मीद करते हैं मनोज जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा बखूबी। खैर, आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब। अब बात करेंगे हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, यानी कि ये सिचुएशन आने ही ना पाए। हमें कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए जिससे हम अपना और अपने दिल का ख्याल रख सकें। बिल्कुल आपने बात सही कहा, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से लॉन्गेविटी बढ़ती है, जीने की एज बढ़ता है, जिसके दो तीन मेन कारण है। एक तो हाइपरटेंशन, दूसरा ओवर सिंपैथेटिक वर्क, माने ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी करी, और तीसरी चीज है कि आप इंटरटेनमेंट के साधन न रहने से पैरासिंपैथेटिक सप्रेशन हो जाता है। ये तीन कारण मेन है। चौथी जो है कि आपका ओबेसिटी ज्यादा होने से डायफ्राम मूव नहीं कर पाता, और फिजिकल एक्टिविटी जीरो के बराबर भी है। ओबेसिटी का जरा हिंदी मायने वाले दर्शकों को, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, जिसमें पेट जो है निकला हो, आपके सीने से पेट ज्यादा निकला हो। ये मेल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है जी। मेल्स, क्योंकि मेल्स इस समय बैठे रहते हैं घरों में और एसी चल रहा है, फिर मेट्रो में चल दिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा है आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, एस्केलेटर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और कोशिश करें अगर मेट्रो से चलते हैं तो एक स्टॉप पहले आप अपना कार रख लें, उसके बाद वहाँ डाइट की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट में मैम अभी जो देखा गया है हम लोगों का लॉन्गेविटी में, कि लो कैलोरी, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट न लें। आप कोशिश करें कि मीठा चाय न लें या कोल्ड ड्रिंक, मीठी कोल्ड ड्रिंक न लें, साथ में कैफीन बिल्कुल कम लें, और फ्रीक्वेंट डाइट आप बढ़ाते रहें, साथ में आप हरी सब्जियां, खीरा ककड़ी वगैरह आप लेते रहें। और अगर हम बात करें नॉनवेज की, तो नॉनवेज में मटन वगैरह कम लें, और क्योंकि उसमें रेड मीट और व्हाइट मीट का भी कुछ जी, रेड मीट में ये है कि उसमें सी प्रोटीन ज्यादा होती है, जिसे पेन ज्यादा होता है, और उसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। दूसरी चीज जो है, अगर आप अंडा लेती हैं तो येलो पोर्शन आप कोशिश करें कि न लें। अंडा अगर आप खा रहे हैं तो आपको येलो पोर्शन अवॉइड करना चाहिए, केवल सफेद लें। सफेद में 12 ग्राम, एक अंडे में 12 ग्राम प्रोटीन एल्बुमिन होता है, जो बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है। आप कोई भी खाना खाएं, आप किसी से एस्टिमेट करा लें, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी डाइटिशियन से बात कर लें कि हमें कितना खाना चाहिए। आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि रोटी और चावल कितना खाना चाहिए? मैम दो तीन चीजों पे हम लोगों ने रिसर्च किया है अभी, एक स्लार्क है, शुक्ला लॉन्गेविटी एडवांस रिसर्च सेंटर, उसके थ्रू हम लोगों ने सरस्वती मेडिकल कॉलेज में बहुत ही ज्यादा काम किया है, इसमें हापुड़ में है, जिसमें ये देखा गया है कि अगर प्रोटीन हम 12 बजे दिन से पहले ले लें तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। जैसे चावल है, चावल 12 दिन में थोड़ा सा अवॉइड करें, दोपहर में आप चावल ले लें, रात में 8 बजे के पहले आप प्रोटीन खूब बढ़िया लें, उसके बाद कोई खाना ना खाएं। अगर चावलों की बात करो तो एक तरफ कहा जाता है कि चावल पेट में जाते पानी बन जाते हैं, और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि आपका मोटापा भी बढ़ाते हैं। उसका कारण है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो तुरंत जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, सुक्रोज में, और तो ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक? मैम स्मॉल अगर आप ले रही हैं चावल तब तो ठीक है, अगर पूरा, कई इन एरियाज हैं जिसमें सारे लोग चावल ही खाते हैं, जैसे साउथ इंडियन है और बिहार में भी है, लेकिन दोनों में अंतर, वहाँ पे जेनेटिक जो है अब्जॉर्प्शन कम है, यहाँ पे बिहार में ज्यादा है, इसलिए चावल का आप कम ही खाएं तो अच्छा है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें तमाम चीजें बताने के लिए तफसील से। उम्मीद करते हैं आपको भी आपके जवाब जो भी जहन में चीजें थी, सवाल थे, उनके मिल चुके होंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिजीज पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। नमस्ते।